नमस्कार दोस्तों, महकता है चंदन चंदन, फिर से आपका अभिनंदन। तो मैं टीआर गए, आप देख रहे हैं स्पोर्ट जलसा। तो आपने देखा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया की काफी धीमी शुरुआत रही, उसके बाद सूर्या चले और उनका काफी स्कोर 192 तक पे पहुंच पाए पहुंच सही पाया, नंबर ठीक है ना। तो आज का एजेंडा उसी पर है। एजेंडा उसी पर है, और दीपक हुड्डा भी चले, आज 4 विकेट लिए उन्होंने। बिलाट्रा सीरीज के किंग इज बैक तक्षम जी, जी बिल्कुल। है ना। चलो शुरू करते हैं। तो आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को, वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, एक तरफा हरा दिया तक्षम जी। वर्ल्ड चैंपियन तो इंग्लैंड है। मतलब हर बार आते रहते हैं फाइनल हाँ से, फाइनल तुम बोल सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियन ही है प्लेयर से। दो चौकर्स की भिड़ंत में एक चौकर्स की जीत हुई, जीत एक की हुई। हार हुई। हाँ, तो आज इंडियन विक्ट्री 65 रनों से इंडिया शानदार। ने एक तरफा जीत हासिल की आज, हाँ मुकाबला तो हुआ ही नहीं। उनके केन विलियमसन क्या टेस्ट मैच चल रहा था नहीं, आज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि न्यूजीलैंड के प्लेयर एफर्ट भी नहीं कर रहे, बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहे थे। एफर्ट तो देखे उनके एफर्ट के, जैसे खिलाड़ी तो उन्होंने बाहर बिठा रखे हैं, जैसे कैप्टन हो गए, बोल्ट हो गए, बाकी डिब्ल्यू डब्ल्यू टीम है उनकी भी तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं न्यूजीलैंड के इस खेल से थोड़ा निराश हूं, क्योंकि जो उनका स्तर है उसके बराबर नहीं खेले वो ठीक है, आज। उनका स्तर तो पिछले एक साल से गिरा हुआ, आप देखिए जैसे वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे पिछले साल टेस्ट के, तब से इनका स्तर बहुत गिर चुका है, बैक टू बैक। यहाँ तक कि ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश से भी टेस्ट सीरीज हारने वाले थे, वो तो ड्रॉ हो गई, बिल्कुल। और अफ्रीका से भी सीरीज ड्रॉ हुई थी, तो दम नहीं लग रहा न्यूजीलैंड में। जी, तो आपने देखा कि आज हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कही थी कि यहां से हमारी 2024 वर्ल्ड कप की नींव रखी जाएगी। बिल्कुल, तो क्या खुद को वो इंडिया का कप्तान समझते हैं? क्या पता बन भी सकते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या नॉट ए कप्तानी मटेरियल, अच्छा मैं नहीं मानता, क्योंकि आईपीएल देखिए क्लब स्तर का होता है, हाँ, क्लब स्तर। क्लब स्तर, और उसमें कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आते हैं, 50 देशों के खिलाड़ी आते हैं। देखिए मैं तो कहता हूँ कि बीसीसीआई वाला इनको नशा करवाना बंद कर दीजिए, कुछ थोड़ी सस्ती कछुआ छाप दीजिए इनको, क्योंकि ये नशा ज्यादा करते हैं, इसलिए पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं। एक तो सबके एड बंद करो तुम, ये ड्रीम इलेवन वाले। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया लोगों को आप नकली दिखाते हो, ऐसी डाई मारते हो, ऐसे क्या आप शॉट मारते हो, जबकि हकीकत में तो कुछ आपके नहीं पेट है। आगे आ रखे हैं, आपसे झुका नहीं बिल्कुल, जाता व्यक्ति है। विशेष पर टिप्पणी ना करें। अब तो देखिए मैं वड़ा मैंने पाव पे टिप्पणी नहीं कर रहा। ऐसा मैंने देखिए कभी कहा। देखिए, कैप्टन भी ऐसे हैं अपने, रोहित शर्मा जी, डोरेमोन ने खा के हगा होगा तब जाके रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट जीनियस कैप्टन पैदा हुआ है। तो चलो उसमें हम बात, उसपे हम अलग से बात करेंगे रोहित शर्मा के ऊपर। अरे यह तो हद तो तब होगी जब इंडिया वर्ल्ड कप अभी इंग्लैंड से हारी सेमीफाइनल, वड़ा पाव वाले ने 2 दिन दुकान नहीं खोली, सब वड़ा अच्छा पाव वाले को ढूंढ रहे थे कि कैसा वड़ा पाव खिलाया तेने इंडिया के बिल्कुल। कप्तान को। तो आज जो जीत हुई है उसको देखते हुए क्या कह सकते हैं कि न्यू एरा बिगेन। देखिए मैं तो ये न्यू एरा वगैरह में नहीं मानता हूँ, खेल तो वही है, 5 की प्लेयर तो वर्ल्ड कप वाले वर्ल्ड हैं, कप वाले हैं। वो भी है, पांड्या है, पंत है, आप तरुण जी क्या बोलेंगे न्यू एरा पे? तो न्यू पुराना एरा एरा कहाँ, घर बिगेन। पे बैठेगा? देखिए पुराना एरा है वो घर पे भेज दीजिए, अब इनका कोई, देखिए जैसे कि जैसे जैसे नया स्तर बढ़ रहा है तो पुराने खिलाड़ियों को अब क्या है कि बिठा देना चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, ताकि इंडियन स्तर, क्रिकेट स्तर बढ़े, नहीं अच्छा चलो, वो नए कर सके। खिलाड़ियों को मतलब आप रोहित शर्मा को ड्रॉ करने की बात कर रहे बिल्कुल हैं, ड्रॉप कीजिए, तो आप उनकी क्या जगह ड्रॉप करने की कप्तान बात कर रहे किसको हो, किसे बना बात रहे कर रहे हो? हैं? देखिए मैं तो बीसीसीआई खुद पे विश्वास नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई खुद 4,000 कैप्टन बना रहा है। बीसीसीआई ने इस साल 8 कैप्टन बना दिए, आठ कैप्टन चार ठीक तो है टी20 में बदल दिए थे। बिल्कुल सचिन जी, देखिए इस पर भी उसे बात कैप्टनशिप पे करेंगे। विश्वास नहीं है, 4,000 कप्तान बना रहा है, विदेशों में भेज रहा है, किसको भेज रहा है, आने वाले देखिए बांग्लादेश सीरीज में नया कप्तान, टेस्ट सीरीज में नया नहीं तो कप्तान, आप कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि न्यू एरा में हार्दिक को कप्तान बनाना चाहिए। बीसीसीआई दोगली है, दोगली, सही बात है, ये आपकी दोगली है बात में भी बीसीसीआई।
साल भर पहले कह रही थी कि हमें व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए अलग अलग कैप्टन नहीं चाहिए, तो अब क्या है बताइए मुझे। नहीं मतलब हमको व्हाइट बॉल में एक ही कप्तान चाहिए, व्हाइट बॉल और रेड बॉल के हमें अलग अलग कैप्टन नहीं चाहिए, ये बोला था। ये बोला था उन्होंने, यूं भी बोला था कि जैसे विराट वनडे की कंटिन्यू करना चाहते थे, बीसीसीआई ने बोला था कि व्हाइट बॉल में दो कप्तान नहीं रख सकते, तब कैसे रख दें। पिछले साल जो विराट शर्मा ने बोली थी ना, जतन शर्मा ने पूरी बात उगली थी ना आज दी थी। देखिए मैं मानता हूँ कि पिछले साल जो विराट के साथ हुआ वही अब रोहित के साथ हो रहा है बीसीसीआई वाले जी। तो चलो उस टाइम बात नहीं करेंगे अभी, जो मैच हो उस पे यार मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी कैप्टन की गुटलियों में दम ताकि मैच के विनर रहे हम। हार्दिक की गुटलियों यही आत्मान करती है बीसीसीआई, यही आत्मान करती है ताकि नया कैप्टन हमको मिले और टीम की कमान संभाले। मैं यहाँ पे आज दर्शकों को कहना चाहता हूँ, हार्दिक पांड्या कप्तानी मटेरियल नहीं है, 24 का वर्ल्ड कप होगा वही कप्तान बनेंगे मुझे पता है, पर देख लीजिएगा चेट निकाल के बता देंगे क्लिप पे आपको। चलो कैप्टनसी अपने से ठीक है, अपनी जगह ठीक है। तो हम बात करेंगे आज ईशान किशन के बारे में, थोड़ा उनका अच्छा चल रहा था पर उनको लंबा नहीं खेल पाए, उस चीज को लंबा नहीं खेल पाए, लंबा नहीं खेल पाए। हाँ जी देखिए काफी उनका ये मैच बहुत ठीक था, देखिए अभी शुरुआत है आगे आने नेक्स्ट मैच देखिए अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लंबा हो गया गैप, लंबा हो गया ईशान किशन खेले बैठे होते कभी पुरानी छेद निकाल के हमको भेज सकते हैं, T20 में जगह ही नहीं बनती उनकी, बिल्कुल जगह नहीं बनती है, कितने प्रदर्शन देखिए काफी निराशा होती है। अरे भाई 13 बॉल में 15 बना के आउट हो, 13 बॉल में 6 रन टेस्ट में चल रहा है, ये क्रिकेट नहीं है, ये आप सीरीज को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जो सीरीज चल रही T20 चल रहा है तो उसको T20 को आप देखिए ना, आपके पास इतना बढ़िया बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन अगर पड़े हैं अब उनको बिठा के रखते हो सैमसन। अरे हद तो तब होगी, देखिए आप एक्सपर्ट बोल रहे थे बॉल स्विंग खा रही है, तो इसका क्या हम IOE में खेल रहे थे। देखिए आज इसका के बारे में इतना ही कहेंगे, क्योंकि स्काई ने जिस तरीके से प्रेशर अपना झेलेंगे घुमा घुमा के स्काई स्काई हैज नो लिमिट्स, स्काई को कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल आज उस बंदे ने फिर से साबित कर दिया है स्काई हैज नो लिमिट्स, नो लिमिट्स जिससे 101 रन की ताबड़तोड़ पारी मात्र 51 बॉलों में जी बिल्कुल, ताकि इससे बड़े कैप्टन शिखर धवन है जो मूंछों पे ताव देते हैं जी, विरोधी टीम में बहुत बड़ा घाव देते हैं, इंडिया की जीत में कभी शान कम नहीं होने देते बिल्कुल जी। तो आज हुड्डा का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा संदीप? देखिए हुड्डा को लगातार 6-5-6 मैच थे आप फिर देखे परफॉर्मेंस, बैटिंग में एक ही बॉल के लिए आई थी, बैटिंग में नहीं बोल सकते, बैटिंग में आज उन्होंने 2.5 बोले की समथिंग की थी, उन्होंने 4 विकेट निकाले, तो क्या विकेट उस मायने में है कि नहीं है, पर उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। देखिए आपने एशिया कप में उनको 2 बॉल खेलने के लिए दिए, वर्ल्ड कप में 3 बॉल दे, तब 5 बॉलों में उनका क्या जज करें जी, बिल्कुल जब उससे पहले उनका परफॉर्मेंस देखें इंग्लैंड में आयरलैंड में। मेरा इतना कहना है दीपक दबंग हुड्डा के बारे में जी, दबंग अपने दीपक हुड्डा जिनको T20 में मौका मिला पर उनको सिर्फ एक मैच के लिए तराशा, सिर्फ 2-3 बॉल खेल बोलने के लिए, ये काफी हमने उस वक्त खेल देखा पर हम ये तय कर बैठे कि उनका खेल अच्छा नहीं है ठीक है, बाकी उन्होंने अपने बेस्ट कमबैक किया वापस 4 विकेट लिए अच्छा प्रदर्शन किया, ये काफी अच्छा मायने रखता है क्रिकेट के लिए। हाँ क्योंकि आपको एक फ्लेक्सिबल गेम देता है, फ्लेक्सिबल आपको अच्छा ऑप्शन देता है, बॉलिंग ऑप्शन दे रहा है, तो अच्छी बात टीम इंडिया के लिए, आगे और मौके मिलेंगे उनको, ऐसे हम शुभकामनाएं देते हैं उनको ठीक है। तो भूवी इज बैक या भूवी इज कम टू रिटायर, बिल्कुल भूवी का समय पूरा हो चुका है, 1 साल हो गया है, सीधी बात है कि भूवी उन्हीं पिचों पर चलेंगे जहां पर स्विंग होगी, बिल्कुल भूवी वहीं चलेंगे जहां स्विंग होगी, बाकी उनका कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, देखिए उनसे भी अच्छे बॉलर्स हैं उनको लाया भाई है, अब भूवी का काफी समय हो चुका है, भूवी को बिठा देना चाहिए मेरे हिसाब से, भले मुझे ऐसा लगता है कप्तान प्लेइंग 11 बनाते वक्त क्या पेग मार लेते हैं हर बार भूवी जरूरी है।
देखिए मैं तो मैंने कहा ना पी को ये महंगा वाला नशा करते हैं, तो सस्ती वाली कछुआ छाप दीजिए। ये पानी पिए इंडियन कैप्टन, क्या बोलूं भी, क्या लगा रखा आज इमरान मलिक को मौका मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था।